भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं। तिकोनिया में पीड़ित किसानों से मिलेंगे। चंद्रशेखर लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। वो कल का वेट नहीं कर रहे हैं बल्कि आज ही जा रहे हैं और खुद इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत दुखद घटना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या अभी आप रूट पे हैं, जा रहे हैं वहां के लिए, तिकोनिया के लिए? चलिए, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लखीमपुर के लिए रवाना हुए हैं। तिकोनिया में पीड़ित किसानों से मिलेंगे चंद्रशेखर। ये देखिए क्या हुआ था, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो किसानों को रौंदा गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायल पड़े हैं, कई किसानों की मौत हो गई है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। तिकोनिया में पीड़ितों से मिलने के लिए चंद्रशेखर वहां जा रहे हैं और फोन लाइन पे चंद्रशेखर खुद हमारे साथ जुड़े हैं, भीम आर्मी के चीफ। बहुत दुखद घटना है चंद्रशेखर जी, आप क्या तिकोनिया के लिए रवाना हो चुके हैं? जी, मैं निकल गया हूँ और मैं लगभग 12:30-1 बजे तक लेट नाइट पहुंच जाऊंगा। दुखद नहीं है, ये अन्याय की प्रकाष्ठा है। ये जो सरकार आज जो है तमाम तरह के झूठे वादे करके आई थी और आज 10 महीने से किसान आंदोलन में है, 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया। आज जो हुआ, अब उसे देखिए कि वो किसान आए थे अपना विरोध दर्ज कराने, क्योंकि झूठे मुकदमे उनके खिलाफ हुए थे पिछले कुछ दिनों पहले। और उसके बाद इतना बड़ा भाजपा के लोगों ने क्या किया है, देखिए उनकी जान चली गई है। मुझे अभी जो इन्फॉर्मेशन है, अभी मेरी बात हुई वहाँ किसानों से, क्या 7 लोग लगभग वो बता रहे हैं, जो 2 गंभीर रूप से घायल थे उनकी भी खबर है कि उनकी डेथ होगी। अच्छा? जो बाकी इंजर्ड है उनको लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है। आप समझिए कि ये क्रूरता है, ये कहाँ से आती है? किसानों के प्रति क्रूरता, देश के अन्नदाता के प्रति क्रूरता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के जहन में घुस गई है। और आज किसान परेशान है, उसको तकलीफ में, देश का अंदाजा, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। दैट्स व्हाई हम लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं, क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है कि हम लोग अपने राइट्स का प्रयोग करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? और प्रोटेस्ट करेंगे तो ये हत्या की जाएंगी, ये निर्दयता है और ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। आपसे बात हुई किसी किसान की, उन्होंने बताया पूरे घटनाक्रम के बारे में? जी, बात हुई है, मगर वो बहुत तकलीफ में है, वो बात करते रोने लग जाते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो किसानों के साथ नहीं खड़ा है, जो चांसेस हो रहा है, वो किसानों का हमदर्द नहीं हो सकता। मुझे तकलीफ है, जब भी देश में कहीं किसी को तकलीफ होती है, किसी सताया जाता, मैं उसके साथ खड़ा था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, मैं इसलिए हूँ और मैं जाऊंगा, लड़ूंगा। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, जो उनकी मांगे उन पर काम नहीं होता, हम लोग वहीं डटे रहेंगे। लगातार चश्मदीदों की बात भी आ रही है चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि वो तो विरोध करने जा रहे थे, काले झंडे दिखाने जा रहे थे, तभी 3 गाड़ी आती है, उन लोगों को रौंद कर चली जाती है और गोली भी मारी गई, 2 लोगों को गोली भी मारी गई, 2 किसानों को। बिल्कुल, किसानों ने यही कहा है, यही है असल में। पिछले कुछ दिन पहले वो उन्होंने विरोध किया था वहां पर, उन पर मुकदमे दर्ज हुए थे। आज वो ये कह रहे थे कि झूठे मुकदमे वापस लो, वो अपनी मांग कर रहे थे। अचानक से 3 गाड़ी आती है और वो भीड़ दिखी, ये तो कितने लोगों की जान जाती है, अगर वो भीड़ बहुसंख्यक रूप से ना होती, उनकी गाड़ियों में लाशें ना फंस जाती। फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि अगर आजाद भारत में किसान सुसाइड करता है या उसके साथ ये घटनाक्रम होता है विरोध करने पे, तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है और देश की जनता किसानों के साथ खड़ी है। वो जो माँ जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपने पति खो दिए, जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, आज उनको जवाब देना पड़ेगा हम सब लोगों को। तो हमारा जवाब यही है कि हम लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ रवाना हो चुके हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 12 से 1 के बीच वो किसानों के बीच होंगे वहां।